और अगर नए हैं आप तो यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज का जो स्टॉक है बालाजी अमाइंस, बालाजी अमाइंस केमिकल की कंपनी है और केमिकल के सेक्टर या केमिकल की जो कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 10 सालों में। अगर हम उनके रिटर्न्स देखते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को और आने वाले दिनों में भी केमिकल्स की देखिए इतनी डिमांड है। अब निर्भर करता है कि कौन सी कंपनी की किसमें विशेषता है, किसमें वो लीडर हैं और कितना किसका एक्सपोर्ट है और जिनका ज़्यादा एक्सपोर्ट है या इंडिया में ही कितना उनका व्यापार है वो सब भी निर्भर करता है। तो ऐसे में दिग्गज कंपनियां जैसे अतुल इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट के बारे में भी बताया था हमने, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी हमने रिव्यू दिया था। तो इसी तरीके से भगेरिया इंडस्ट्री भी हो गई, पौंडी ऑक्साइड रिच भी हो गई। इस प्रकार से बालाजी अमाइंस भी केमिकल की एक ज़बरदस्त गुड क्वालिटी की कंपनी है। लेकिन जैसा कि हम सबको अगर पता हो या किसी को ना पता हो कि चाइना में जिस समय पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से पोल्यूशंस की वजह से उनमें कुछ नॉर्म्स रखे गए जिससे उनको जो वहाँ पे केमिकल की कंपनियाँ थी या फिर जो भी फर्टिलाइज़र कंपनियाँ थी या फिर अगर आप चाहें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो कंपनियाँ थी पोल्यूशन की वजह से उनको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया या उन पर जो है बंद किया गया। इस वजह से जो भारतीय कंपनियाँ थी केमिकल से रिलेटेड और जिन जो एक्सपोर्ट करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में उनका ज़बरदस्त नेट सेल्स बढ़ा, इस वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ा। क्योंकि चाइना ने जब माल बनाना कम कर दिया तो भारतीय कंपनियों की डिमांड हो गई प्रोडक्ट्स की, केमिकल्स की। तो इस वजह से इस बीच में 1-2 साल में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन अब चाइना ने क्या किया है, नए नॉर्म्स के साथ उन्होंने अपनी फिर से वो शुरू कर दी है फैक्ट्री और उनका कहना है कि हम फिर से सारे जगह अपनी लीडरशिप कायम करेंगे। तो इस वजह से जो भारतीय कंपनियां उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, चाहे जिनका ज़्यादातर एक्सपोर्ट से रेवेन्यू है। तो उसी तरीके से एक ये भी कंपनी है जिस पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है नो डाउट। तो अपने अभी हम इसके फंडामेंटल देखते हैं कि किस प्राइस पे था और किस प्राइस पे इसकी नेट सेल्स कैसी है। देखिए BSE पे 337 रुपये के भाव पे ट्रेड हुआ 12 जुलाई को, आज संडे है, आज मार्केट बंद है, आज 14 जुलाई है। और जो 52 वीक हाई था 600 से आ चुका है, लो बनाया था इसने 333 का, तो आधा 50% के आसपास ये एक साल के अंदर ही टूट चुका है स्टॉक। तो अभी इसमें कैसी स्थिति है, स्थिति ये है कि अभी ये एक फेयर वैल्यूएशन पे आ गया है जिस प्रकार से अगर हम टेक्निकल देखते हैं। लेकिन अगर हम आगे के भी क्वार्टर के कुछ रिजल्ट्स देखते हैं और अगर नेट सेल्स में इनकी ऐसी ही गिरावट रही अभी हम देखेंगे तो फिर हो सकता है कि और नीचे के प्राइस पे ये मिले। लेकिन कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स इनके अच्छे हैं। तो चलिए हम कुछ देख लेते हैं बेसिक चीज़ें। मार्केट कैप है 1092 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू है 182 का और इंडस्ट्री पी है 16 की। यहाँ पे अगर हम स्टैंड अलोन के देखते हैं तो EPS अर्निंग पर शेयर 36 रुपये का और पी है 9.25 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 16.59 की। डिलीवरी 60% के आसपास है जो कि एक अच्छी है। फेस वैल्यू 2 की रह गई है, इसका मतलब इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है और प्राइस टू बुक है 1.90 का। हम ईयर ऑन ईयर मार्च 18 से मार्च 19 पे अगर कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जून क्वार्टर वन के अभी नहीं आए हैं रिजल्ट्स इनके, तो देखिए नेट सेल्स में इनको यहाँ से पिछले साल के मुकाबले मार्च 19 में डाउन साइड है, नेट सेल्स में ही डाउन साइड है। जहाँ मार्च 18 में थी 255 करोड़ की, वहीं हो गई मार्च 19 में 234 करोड़ की। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए ठीक है, 1.05% की अपसाइड है, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे 18% के आसपास का इनका डाउन साइड है, लेकिन मार्जिन में कामयाब रहे हैं, 1.81% की मार्जिन इनके पॉजिटिव में है। वही हम दिसंबर 18 से मार्च 19 में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो अगेन देखिए नेट सेल्स में
क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी यहाँ पे डाउनसाइड शो हो रहा है। दिसंबर 18 में जहाँ 239 करोड़ की थी, वहीं मार्च 19 में 234 करोड़ की, तो 2.05% की यहाँ पे डाउनसाइड है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है अपसाइड है 11% के आसपास, और इंटरेस्ट भी कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट में भी 2.76% के अपसाइड है, और मार्जिन में भी यहाँ करीब 2.40 के अपसाइड है। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इनके नेट सेल्स में हमने देखा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली जो है डाउनसाइड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 53% के आसपास के रिटर्न होल्डिंग है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 2 स्कीम्स है, लेकिन FIIs 21 हैं इसमें, और इंडिविजुअल्स 39, हम आप जैसे लोग। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, देखिए 2.60 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने पिछले साल दिया था, इस साल भी देने का। और टॉप सेगमेंट्स में इनका है अमायंस डिवीज़न 97% से इनको इसी से आए हैं, होटल लाइन में भी हैं 2.2% की वहाँ से उनकी इनकम है। केमिकल्स रिलेटेड कंपनी और इंडस्ट्री में अपनी 24वें स्थान पे है। हम देख लेते हैं रिटर्न्स, देखिए 10 साल में तो बहुत कमाल के रिटर्न्स इसमें, करीब करीब 2000% के आसपास के रिटर्न है, 5 सालों में भी 404% के रिटर्न है, और 4 सालों में 198% के रिटर्न है, 3 सालों में 21% के ही रह गए हैं, लेकिन 2 सालों से लगातार ये नेगेटिव में रिटर्न्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिन मित्र ने हमसे पूछा है कि हमें ऐसे स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड्स देखिए केमिकल्स के कंपनी ये तो अच्छी लग रही मुझे, गुड क्वालिटी, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसके जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो टोटली फ्लैट हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है उनका, और जो नेट सेल्स लगातार इनकी डाउन है, तो हमें देखना होगा आगे क्या कंपनी कैसा कर रही है, एक्सपोर्ट इनका कैसा चल रहा है, इनकी नेट सेल्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अभी इस पे बाइंग की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। हमें हो सकता है कि स्टॉक और नीचे के लेवल पे मिले तो उस समय थोड़ा थोड़ा करके लिया जा सकता है, और वैसे भी थोड़ी मंदी का दौर चल रहा है, तो थोड़ा सा पैसा अगर आप अपने खाते में रखेंगे और उस पैसे की गर्मी को आप महसूस कीजिए, और कहीं आपके पोर्टफोलियो में जो भी आपका स्टॉक पोर्टफोलियो आपने बनाया होगा किसी प्रकार के अलग अलग सेक्टर के, तो जिसमें भारी गिरावट हो उसको लेने के लिए अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, अगर आपके पास कैश उपलब्ध है तो। तो इस वजह से बहुत जल्दबाजी ना करें किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने की, और ख़ासकर ऐसी कंपनियों में, थोड़ा नीचे के लेवल पे और भी मिल सकती हैं। चलिए मैं अपना वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।